जी तो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो व्यूअर्स, अभी मैं बनाने जा रही हूँ पराठा, और ये चोरस पराठा है, ये बहुत ही मज़े का बनता है, तो प्लीज़ आप लोग बनाइएगा। तो चलते हैं, बनाते हैं पराठे को। तो व्यूअर्स, हमने देखें, आप लोग देखें कि हमने इधर ना जो रोटी है उसको जैसे हम बनाते हैं गोल गोल, हमने उसको अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हम इसमें घी लगाएंगे, घी को अच्छी तरह से हमने फैला लेना है, ठीक है? तो अब इसके बाद हम इसको यूं इस शेप में देखें, एक तह इस तरफ आएगी और दूसरी तह इस तरफ जाएगी, और थोड़ा सा इसको यूं प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हमने इसको यूं वन साइड ऐसे और दूसरी साइड हमने ऐसे कर देनी है, तो ये यूं कुछ इस शेप पे आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है जी? तो व्यूअर्स, इसको हमने ना यूं इस तरह से हमने इसको ना बेल लेना है। फिर हम दूसरी साइड घुमाएंगे यूं ऐसे, ये बहुत ही मज़े का बनता है, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। इसके किनारे हमने अच्छी तरह से ना यूं बेल लेने हैं, यहाँ से इसको एक जैसा करके। अब हम इसको तवे पे डाल दें जी। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इस पे यूं इस तरह से रोटी डाल देंगे, पराठा, ठीक है? ये देखें, ये चोरस शेप में आया है जी। तो अब हम ये इस पे घी लगाएंगे जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी पराठे की एक साइड पक चुकी है, अब हमने दूसरी साइड पे किया हुआ है। तो ये देखें, हमारा पराठा तैयार है। अब दूसरी तरफ मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, वो पराठा नहीं खाते, वो पराठा खाते हैं लेकिन कभी कभी खाते हैं ना, तो दूसरी तरफ हम ना मैं सादा रोटी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखें भी, बस आप लोग देख सकते हैं कि ये चोरस पराठा कितना अच्छा बना है, ये देखें। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरा पराठा अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।